न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है कि वाराणसी में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि टिकटॉक वीडियो बनाते समय 5 किशोरों की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। आज का दिन वाराणसी के लिए सबसे बड़े हादसे का दिन हुआ है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में गंगा के उस पार रेती पर टिकटॉक वीडियो बनाते समय एक एक करके 5 किशोर गंगा में डूब गए। आसपास के लोग उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 5 युवकों के शव को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल निकाल लिया गया है। शवों को रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि जिले के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि गंगा के उस पार स्थित रामगढ़ वारीगढ़ी के रहने वाले 5 युवक थे, जो कि टिकटॉक का वीडियो बनाने के लिए गंगा में आए थे, और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है। मेरा नाम साहिल है। बाबू कहाँ गए थे नहाने तुम लोग? हम लोग गए थे, हम नहाने नहीं गए थे, सब जगह जैसी ले गए थे, कहीं चलो टिकटॉक बनाए, टिकटॉक नहीं बनना बनाए तो हम लोग नहाने चल गए। कितने लोग थे? 5 लोग। 5 लोग में 7 लोग थे, 2 लोग बैठे थे, कपड़ा देख रहे थे, 5 लोग अंदर चले गए थे नहाने। तो तुम क्या करने गए थे वहाँ? हम सिर्फ बैठे थे, तब गए थे। तो कैसे वो लोग, मतलब कि नहाते समय क्या हुआ? नहाते नहाते आगे चले गए, हम लोग अंदाज नहीं मिला, गहरा था, सब लोग डूबने लगे। अच्छा, तो क्या तुम भी पानी में उतरे थे कि नहीं? नहीं, सिर्फ बैठे थे। क्या मामला था? पूरा टिकटॉक का मामला था? नहीं, टिकटॉक नहीं करेगा। अभी आप बोले टिकटॉक बनाने के लिए, बनाने कि नहीं बनाया। लोग काफी वैसे करता है, एक लोग का नाम था रिजवान, एक लोग का नाम था खजीन, एक लोग का नाम था सैफ, एक लोग का नाम था लकी। तो 4-5 लोग, आप भी संग सब लोग यहाँ घर से घर।